दाने नहीं है बताइए। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय ब्लॉग। फाइनली हम सो के जग चुके हैं और ये भी सो के जग चुकी हैं। आज इनका दूसरा कुछ प्लान है। मैं अभी थोड़ा जगी, बस अपने मकाई आई थी। हाँ। तो चले मकाई यार खिला दो आज। okay. नाश्ते में मकाई ही भून देती हूँ। ओके okay, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ी मुझे जाना पड़ेगा। चलिए तो चलिए चलती हूँ, तोड़ना तो मुझे ही पड़ेगा। तो गाइस आज प्लान जो बन रहा है तो सुबह सुबह एकदम ब्रेकफास्ट में मक्का रहेगा। कितना रहेगा मक्का? अब देखिए कितना है, खेत में जाए तब ना पता चलेगा कितना मक्का है। ओके तो चलते हैं गाइस फटाफट। है दाना वाह है, अच्छी पड़ी है दाना। कितने तोड़े? इतना तोड़ी हूँ। ओके इतना हो जाएगा ना? हो जाएगा। चलिए मक्का मिल गया ना, मक्का बस खाना है कि ब्रेकफास्ट में केला भी खाएंगे, खीरा भी। खीरा तो देखिए चाहिए ही। ऐसा है? है एक भी खीरा मिली है, पर है बहुत बड़ी। वाह वाह वाह, दिखाइए दिखाइए। इतनी बड़ी मिली है तो हो गया नाश्ता के लिए, हो जाएगा। यस यस। फाइनली गाइज हम लोग मक्का लेके पहुंच चुके हैं। देख पा रहे हैं ये मक्का है, ये गोरसी है, ये लकड़ी ले आई है। लकड़ी ले आई हूँ, अब चलिए फटाफट आग जलाती हूँ। आग जलाएंगे, ये कुरकुरे के पन्नी इससे जलाती हूँ आग, क्योंकि देखिए ये खेत में फेंको तो बंजर हो जाती है जमीन, इसलिए हम लोग इसको आग जलाने में यूज करते हैं। ये देखिए कुरकुरे के पन्नी बहुत जल्दी आग पकड़ती है, और हमने सूखी सूखी पतली पतली लकड़ी रख ली है। अभी आग लग जाएगी, पहले ये जितने मोटे पतले सब लकड़ी हैं इसी में सबको लगा देते हैं इस टाइप का। जब बहुत ज़्यादा जलने लगेगा फिर इसके ऊपर मक्का छील के। देख पा रहे हैं बीनू जो है आग पूरी तरह से लगा चुकी हैं, अब मक्का छीलेंगे आराम से। अब मकाई ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा इनकी साड़ियां जो है तो एक दो प्रत निकाल देते हैं। एक एक दो प्रत निकालेंगे? हाँ, पूरा नहीं निकालेंगे ना, क्योंकि इसमें डालना है। अच्छा अच्छा। दाने नहीं है बताइए। नहीं नहीं है। अब क्या होगा ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट इसी से होगा। जलाइए जलाइए जल्दी से, छोड़िए इसको खाएंगे तो। ओके छील लूं, बहुत कड़े हैं, टूट रहे हैं नहीं। ठीक है ये जो है तो कुछ सही है इनसे, वो तो पकी हुई है, ये पक गई है। देखिए इतना मक्का छिल चुके हैं, अब इसको आग जल रही है इसमें। ये जो है ना इनको नहीं डालना है अभी, क्योंकि जल्दी आग में ये सही नहीं रहेगी। अब इनको जो पत्ती है उसको डाल दो, जहाँ जहाँ आग लगी है सबको डाल देते हैं। पारा इतना सारा मक्का हम लोगों ने डाल दिया है, अभी ये जल नहीं रहा अच्छे से। आप रुकेंगे बिना से बढ़िया, ये पंखा कर रही है, देख पा रहे हैं गाइस मस्त हवा है। क्या धुआं है, सारे मच्छर भाग रहे हैं। अरे इधर मत करो धुआं भैया। अब इनको पलटते हैं। जल जाएगा, तो गाइस ये देखिए मक्का भूंज रहे थे, इनको लग रहा था धुआं, तो इस तरह बांध ले बढ़िया फेस कवर करके भूंजेंगे मक्का। इतना सारा अभी पड़ा हुआ है, इसको सबको भूंज रहा है, अभी इतना भुजा रहा है, भून रहे हैं इनको। कितना टाइम लगेगा जी भूनने में? एक घंटा। जल्दी जल्दी भूनिए, खाना है। Thank you.
गाइस देख पा रहे हैं पूरा लकड़ी जल चुका है, इधर रख दिए इधर, और मक्का सारा निकाल चुके हैं क्योंकि अब अंगार हो गया है, उसमें भूने भी आ रहा है। तो देख पा रहे हैं फेस कवर करी हुई है और मक्का अब छील रही है क्योंकि अब ये देखिए उनका पत्ता जल चुका है। अच्छा अब इसको छील कर इसमें अंगार भून देंगे। ओके ये छील दी। हाँ अब इसको इसमें डाल देती हूँ, ये डला गया और अभी देखे जगह खाली है इसलिए बहुत सारा डाल देती हूँ एक साथ दस ठो चार पांच आ ही जाएंगे। ये है देसी तरीके से मक्का भुजाई, अब गांव में मजा आ जाता है गाइस खाने में। भुजने वालों को भुजने वाले तो कहा बताएं तब जाते हैं। और एक आग इसमें जला दी है और इसमें जली रहा है और इसमें फोड़ेंगे पड़। ये हुई ना बात। तो गाइस बीनू को देख पा रहे हैं लगी हुई है पड़ गूंज रही मक्का, इधर आग जल रही है बढ़िया और इधर भून रहे हैं बढ़िया। एक मक्का पक गई दीजिए नहीं एक थाली आप लास्ट उसको दीजिए उसको दे। ये है हमारे गांव की टोकनी, इसमें भूनने के बाद रखते हैं पहले पत्ता गंदी वो वाली पत्ता दीजिए और साफ पत्ता दीजिए जली हुई नहीं रखेंगे। तो ये पत्ता दे देते हैं और ये पत्ता इसमें रख देते हैं। लीजिए ये हुई बात और इसमें रखेंगे भूंज के मक्का। दो भूंज गई दो भून डाले दो भून गई। चलिए फटाफट करिए भूख बहुत लगी है। भूख लगे तो खाना खाइए ना। मक्का काहे के लिए भून रहे हैं? मक्का हो गया ऐसे ही नाश्ते के लिए भून रहे हैं। अच्छा इतना सारा भून के रख रहे हैं जल्दी भून जाए, मेरे भूख लगी है जल्दी खाऊंगी जल्दी। भूख मुझे भी लगा है। तो गाय जब देख पा रहे हैं मम्मी भी और बीनू भी दोनों लोग भूंज रहे हैं। सास पतो ननद भौजाई एक ठुमक्का के खाई। कितना टाइम लगेगा जी अभी है? मेरा वेट तो बचा है। दिखाओ थोड़ा चुरकी इधर दिखाओ। वाह इतना कंप्लीट हो गया। मम्मी का तीन ठो मम्मी का दिखाई इधर तू दिखाओ पांच ठो हम लेंगे बताओ। ये नमक हो गया ये मक्का हो गया। नाराज रहिए से खुश रहिए पर मिलेगा। इसमें दांत नहीं है जी? है ये। दीजिए जल्दी जल्दी पांच ठो तीन ठो चलिए जितना बना उतना दुख बताइए। एक भी दाना नहीं है इसको मम्मी भूज रही है बताइए। अरे इनको देखिए कवर फेस कवर किए ये आंख बस दिखता है जल्दी जल्दी भूज डाले इतना। तो फाइनली गाइस हम लोग का जो मक्का है भुना गया है और मैं ये अपना पर्सनल मस्त अच्छी वाला ले ली हूँ पूरा जला है। अब इसको खोलते हैं तब ना खाएंगे। देखिए फेस कवर करके रखी थी गाइस पूरा इतना मक्का भूजिए कम से कम 10-15 मिनट। देखो ओ, बड़ा पसीना। अब खाएंगे मस्त मजे से। उसको भी रख दीजिए हम पूरा खाएंगे आज। नहीं मैं जा रही हूँ लेके। तो गाइस इतना सारा हो गया है और फिलहाल अब हम लोग को खाते हैं। बढ़िया है मेहनत रंग लाई है। तो गाइस इसको खाते हैं और इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।